आज कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, कुछ पेशेंट्स की केस हिस्ट्रीज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है कि आप सुनते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि आपको भी इसमें के कुछ ना कुछ लक्षण होंगे तो आप इलाज कर सकेंगे अपना। होता क्या है कि बहुत लोग लगते हैं नहीं नहीं अपनी बीमारी नहीं है, ये तो चलते रहता है, इलाज करते नहीं है, बीमारी पुरानी होती है और बाद में इलाज होता नहीं। तो ये देखिए, ये एक पेशेंट है जिनको बार 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 ये अपने घर के जो ताले हैं वो तपासते रहते हैं। अकेले जब रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहता है कि मैंने ये किया है कि नहीं बराबर, वो किया है कि नहीं बराबर। वो जाके चेक करेगा, वो बराबर रखा कि नहीं रखा, कोई चीज़ बराबर रखी कि नहीं, गैस बराबर ऑफ किया है कि नहीं। और यदि वो घर के बाहर जाता है तो उसको ये लगता है कि ये लोगों को बोलेगा, कोई व्यक्ति को बोलेगा कि तुम्हारे औरत के साथ में मेरा अफेयर है, ऐसा बोलेगा, ऐसा उसको लगता है। मतलब उसने कभी किसको बोला नहीं, उसको इतना डर लगता है कि ऐसा वो जाके बोलेगा किसको, ये आपके औरत के साथ में मेरा अफेयर है। हालांकि है कुछ भी नहीं है, मगर उसको लगता है कि मैं बोलूँगा, और ऐसा बोलूँगा तो आदमी मारेगा पीटेगा उसको, तो इसलिए उसने बाहर जाना छोड़ दिया। और उसको बहुत डर लगता है, अकेले भी बाहर जाना तो बहुत ही डर लगता है उसको, और बाकी लोगों के औरतों के साथ में उसके संबंध है, ऐसा विचार बार बार उसको मन में आता, हालांकि उसको है तो कुछ भी नहीं। और उसको ऐसा लगता है फिर अपने बदनामी हो जाएंगे, ऐसे संबंध अपन करेंगे, मतलब ये सब काल्पनिक डर, और एक ही विचार बार 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 आ जाएगा। अभी तक पिछले मतलब 33 साल से ये चालू है, अभी तक काफ़ी दवाई लिया मगर फायदा हुआ नहीं। मैंने उसको क्या किया है कि उनको मैंने बताया कि भाई आप दवाई लो और दवाई के साथ साथ हिप्नोथेरेपी करो तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और उसको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है हिप्नोथेरेपी से दवाई के साथ साथ। दूसरा और एक पेशेंट मैं आपको बताता हूँ, इनका ऐसा है कि इनको बचपन से ही हस्तमैथुन की आदत लग गई। हस्तमैथुन की आदत लग गई तो कभी कभी क्या होता था कि वो दो दो तीन तीन बार हस्तमैथुन करते थे एक दिन में, तो बाद में फिर तीसरी चौथी बार इरेक्शन नहीं आता था। फिर किसने उनको बताया कि आप ऐसा करो पॉर्न देखो, पॉर्न वीडियोस, तो फिर आपको इरेक्शन आ जाएगा। उन्होंने पॉर्न देखना चालू किया तो फिर क्या हो गया, एक वो कंडीशनिंग हो गया कि पॉर्न देखना है और हस्तमैथुन करना, पॉर्न देखना हस्तमैथुन करना है। आदत सी ऐसी हो गई कि पॉर्न का एडिक्शन हो गया, और बिना पॉर्न देखे मास्टरबेशन होता नहीं अभी, और मास्टरबेशन तो करने की इच्छा बार बार होती है। अच्छा, मास्टरबेशन की इच्छा होती है, वो विचार आता है, मगर मास्टरबेशन में मजा नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनको लग गई लत, वो ऑब्सेसिव कंपल्शन हो गया है कि नहीं पॉर्न वीडियो भी देखना और मास्टरबेशन भी करना है। जब हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो उसमें शीघ्र पतन हो जाता है। शीघ्र पतन हो गया तो फिर उनको मजा नहीं आता, ऑर्गेजम नहीं होता, क्लाइमैक्स नहीं होता, मजा नहीं आता, और फिर और दोबारा तिबारा करो चालू है ऐसा। और इसके ये बीमारी से फिर उन्होंने शादी भी नहीं किया, बहुत स्ट्रेस आता है, घर में अकेले रहते हैं, किसके साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं करते, इसका इफेक्ट काम के ऊपर भी हुआ है। तो इनका भी इलाज जो है वो SSRI, OCD में क्या होता है कि SSRI जो बोली है ना, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, वो है, क्लोमिप्रेमिन है, फिर सम्मोहन उपचार है, हिप्नोथेरेपी, ये देते हैं हम, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी और एक देखो, एक और एक है कि सेक्स वर्कर के साथ में उन्होंने सेक्स किया, प्रोटेक्शन भी वापरा था, मतलब कंडोम भी वापरा था, और ये होने के बावजूद भी उस समय से उनको विचार आ रहे कि भाई मुझे HIV होगा क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HIV होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ बीमारी होंगी क्या। और उसकी वजह से फिर उनको बहुत टेंशन, डिप्रेशन। फिर एक लड़की के साथ में 4 साल से संबंध थे, रिलेशनशिप में थे, और अभी उसने ब्रेकअप किया वो लड़की ने, क्योंकि ये बार बार कुछ तो भी ऐसे हरकतें करता था, इसको वो लड़की को लगता था इसको कुछ तो भी है, कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसी कुछ तो भी हरकतें वो करता था, बार बार एक एक पूछना, बार बार वही वही चीज़ करना। और फिर उसने वो ब्रेकअप कर दिया, उसने बोला मुझे आपके साथ में रहना नहीं है। फिर वो ब्रेकअप हो गया तो वो भी सहन नहीं कर सका, उससे भी उसको काफ़ी डिप्रेशन आ गया, फिर वही विचार, वही लड़की के विचार बार बार आ रहे, और HIV के बार बार आ रहे। ये हमने तीनों भी केसेस देखा, ये केसेस का क्या है, ये तीनों भी इसमें एक कॉमन है कि उनको एक तो नकारात्मक विचार आ रहे, बार बार विचार आ रहे कि जो नहीं चाहिए, रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं उनके मन के खिलाफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और ये ऑटोमेटिकली विचार आते जा रहे हैं। ये विचार है कहाँ, कॉन्शियसली उनको मालूम है
कि नहीं ये विचार कुछ बराबर नहीं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है, मगर सबकॉन्शियसली ऐसे फटाक सा विचार वो आ जाएगा और वो विचार आने के बाद में उसको बेचैनी वगैरह होंगी और फिर उनको लगता है कि अभी मेरा कोई खरा नहीं है, तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये सभी के लिए ऐसे सारा है क्लोमिप्रेमिन ऐसी दवाइयाँ, और उसके साथ साथ सम्मोहन उपचार ने चालू किया और उनको मैं बार बार बताते रहा कि देखो ये ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, ये आप विचार नहीं ला रहे हैं, ये ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी जो है ATM आपके दिमाग में घुसी हुई है वो विचार कर रही है और उसका काम ही ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। थॉट तो सभी को आते हैं, सभी को थॉट्स आते हैं और ये जो बताया मैंने थॉट्स इनको, ये विचार सबको आते हैं, मगर सब लोग इतने बार बार नहीं करते हैं। दिन भर में वही 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 सब लोग उसको रोक देते हैं बाकी लोग, क्योंकि विचार तो सबको ही आता है, ऐसे भलते उल्टे पुलटे विचार तो सबको आते हैं जो अपने मन से विसंगत है, मगर हम उसको दिमाग से निकाल देते हैं। जो अप्रोप्रिएट विचार नहीं उसको निकाल देंगे, जो रियलिस्टिक विचार नहीं उसको निकाल देंगे, जो इलॉजिकल इरेशनल है उसको निकाल देते हैं, मतलब उसकी तरफ ख्याल देते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट बनते हैं उसको बहुत महत्व देते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं, और क्या होता है वो विचार फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, जितने बार आप विचार करोगे उतना वो पक्का होता जाता और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जो विचार बार बार करोगे वो इतना पक्का हो जाता है, इतना पक्का होता है क्योंकि पूरा ब्रेन उससे ऑक्यूपाइड हो जाता है और बाकी वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये आपने देखना बहुत जरूरी है कि भाई कभी भी, और नॉर्मल व्यक्ति को भी ये हो सकता है कि भाई एक विचार आ गया एक समय के बाद में उसके तरफ ध्यान देने का नहीं, उसको महत्व देने का नहीं, एब्सर्ड विचारें छोड़ देने का है, ऐसे ही करेंगे तो वो दिमाग में रहेगा नहीं और ये नौबत OCD वाली आएंगी नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, इसमें व्हाट्सएप की लिंक दी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की हमारे, उसमें ज्वाइन कर लो ताकि हमारे जो वीडियोज़ है अलग अलग और सेक्स वेबिनार्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।